नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत और स्वागत है मेरे YouTube चैनल के अंदर। दोस्तों आज का जो वीडियो दोस्तों महावितरण के अंदर जो रिक्रूटमेंट निकली है उसके ऊपर है। दोस्तों महावितरण के अंदर इन ग्रेजुएट इंजीनियर्स एंड डिप्लोमा इंजीनियर्स की जो है वैकेंसी आई हुई है। क्या है पूरी वैकेंसी और कितनी है वैकेंसी, कितनी मिलेगी आपको सैलरी, हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। पहले लेंगे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। दोस्तों ये जो है मेरा यूट्यूब का चैनल है, आप यहाँ पे लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके जो है मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों 251 सब्सक्राइबर्स जो है मुझे हो चुके हैं। दोस्तों वहीं पे जो है वीडियोस टैब पे क्लिक करके आप मेरे सारे लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं और किसी भी वीडियो को जो है लाइक शेयर या कमेंट आप कर सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने बहुत सी जो वैकेंसीज की रिक्रूटमेंट की जो नोटिफिकेशन आई हुई है उनको हमने कवर अप किया हुआ है। दोस्तों तो देखते हैं महावितरण की जो वैकेंसी आई है उसका उनमें क्या कितनी वैकेंसी है। नंबर ऑफ वैकेंसी देखेंगे दोस्तों, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी यानी जीईडी की जो वैकेंसी है वो टोटल 63 वैकेंसी आई हुई है। दोस्तों ओबीसी के लिए 36, एसबीसी के लिए 12, एनटी की 5, वीजे की 5, एसटी की 5। यहाँ पे दोस्तों एससी के लिए जो है कोई भी वैकेंसी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। दोस्तों इन वैकेंसी के अंदर जो है जनरल के लिए इतनी वैकेंसीज है और उसके अंदर वुमेन्स की जो है स्पेशल वैकेंसी आई हुई है। दोस्तों यानी इन 63 वैकेंसीज के अंदर 19 वैकेंसी सिर्फ वुमेन के लिए अलॉकेट है, जो सिर्फ वुमेन ही उसके लिए फॉर्म भर सकती है। जो लेडीज है, लड़कियां जो है यहाँ पे अच्छे से फॉर्म भर सकती है क्योंकि वहां पे रिजर्वेशन उनको दिया गया है। अगर आप कोई स्पोर्ट्स पर्सन है तो उनके लिए भी दोस्तों यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया है। पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो ओबीसी के अंदर उनके लिए एक जगह दी गई है। तो इस प्रकार का जो है ये ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग का वैकेंसी है। दूसरा वैकेंसी जो है दोस्तों डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं 338 वैकेंसी जो है टोटल आई हुई है डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए। वहां पे ओपन के लिए जो है दोस्तों 158, ओबीसी की 50, एसबीसी की 8, एनटी की 9, एनटीसी की 15, एनटीबी की 7, वीजे की 9, एसटी की 41 एंड एससी की 41 वैकेंसी आई हुई है। उसके अंदर वही हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन यहाँ पे बोलते हैं दोस्तों इसको, जनरल जो है कोई भी बंदा जो है मेल भर सकता है, वो जो 101 वैकेंसी है, वुमेन के लिए भी 101। अगर कोई लेडीज है, कोई लड़की है जिसने डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया हुआ है तो वो इस फॉर्म को भर सकती है। दोस्तों उनके लिए जो है ग्रेट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आई हुई है कि आपके लिए जो है 101 जगह जो है दोस्तों वैकेंट है, यानी आपके लिए रखी गई है, आपके लिए रिजर्व की गई है। तो और उसके बाद जो है कोई स्पोर्ट्स पर्सन है तो उनके लिए भी वैकेंसी है यहाँ पे 70, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 10 वैकेंसीज आई हुई है। वहीं पे एक्स सर्विसमैन अगर है आप तो आपको जो है दोस्तों 51 वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है। प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन आप अगर है तो 17 वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है। अर्थ क्विक अफेक्टेड पर्सन है तो उनके लिए 7 वैकेंसी यहाँ पे अवेलेबल है। अप्रेंटिस आपने कर रखा है तो आपके लिए जो है दोस्तों 34 वैकेंसीज आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। तो देखते हैं आगे दोस्तों, एज लिमिट यहाँ पे 35 ईयर से ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग और डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए दोस्तों 30 ईयर से अपर एज लिमिट जो है दोस्तों। अगर आप किसी रिजर्वेशन में आते हैं तो आपको 5 साल एस सी एस टी और ओबीसी के लिए 3 साल का रिजर्वेशन दिया गया है। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो अपर एज लिमिट जो है 45 के करीब दी गई है दोस्तों डिप्लोमा के लिए। क्वालिफिकेशन देखते हैं दोस्तों, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए बैचलर डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है लगेगी, वहीं पर डिप्लोमा के लिए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी लगेगा। दोस्तों स्टाइपेंड सैलरी कितने मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे जो ये जो एग्जामिनेशन है दोस्तों ये 1 साल का प्रोबेशन पीरियड में रखा जाएगा आपको। अगर आप इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर लेते हैं तो आपको जो है 1 साल का प्रोबेशन में रखा जाएगा। उसका स्टाइपेंड जो है दोस्तों इस प्रकार का है, ग्रेजुएट इंजीनियर को 22,000 रुपए और डिप्लोमा इंजीनियर को जो है 18,000 रुपए की सैलरी आपको यहाँ पे मिलेगी दोस्तों। लेकिन अगर आप 1 साल का प्रोबेशन पीरियड क्लियर कर लेते हैं तो आपको जो है दोस्तों इस प्रकार का पे स्केल लग जाता है, 19,110 रुपए का जो है पे स्केल आपको लागू हो जाता है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए। और जो है इनके हाथ में जो सैलरी होगी दोस्तों करीबन 35,000 के करीब होगी। वहीं पे ट्रेनिंग जो है डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग
वो अगर आप एक साल का प्रोबेशन क्लियर कर लेते हैं तो 14,500 का बेसिक आपको लागू हो जाता है दोस्तों, तो आपकी सैलरी जो है 25,000 तक आराम से चल जाती है। मेथड ऑफ सिलेक्शन देख सकते हैं दोस्तों आप, कैंडिडेट हैव टू अपियर फॉर द ऑनलाइन टेस्ट, उसके बाद में जो है द लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट कॉल्ड ऑनलाइन टेस्ट, एक ऑनलाइन टेस्ट होगा दोस्तों, उसके बाद में जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा। टेस्ट स्ट्रक्चर देखते हैं दोस्तों, टेस्ट स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे इस प्रकार का है, टेस्ट ऑफ प्रोफेशनसी प्रोफेशनल नॉलेज जो है, यानी आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो नॉलेज है उसका 50 क्वेश्चन मिलेगा 110 मार्क के, और जो बाकी का जनरल नॉलेज रीजनिंग क्वांटिटेटिव मैथ्स एंड मराठी लैंग्वेज का है दोस्तों, वो टोटल 80 मार्क का है, 80 क्वेश्चन है जो है 40 मार्क, 120 मिनट का यहाँ पे आपको टाइम दिया गया है, 2 घंटे का दोस्तों। यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया बात जो है यहाँ पे जो दी गई है, टेस्ट स्ट्रक्चर जो 90% वेटेज जो है दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, इन सबको 90% वेटेज दिया गया है, और 10% वेटेज जो है दोस्तों एकेडमिक परफॉर्मेंस के ऊपर दिया गया है। अगर आप 50% तक मार्क लाते हैं तो आपको 0 मिलेगा, वहीं पे आप 50 से 70 के बीच में मार्क्स लेके आते हो, परसेंटेज है आपका, तो जो है एकेडमिक परसेंटेज जो है 50 से 70 तक है तो 2 मार्क आपको मिलते हैं, 70 से 90 में तक है तो 4 मार्क, और 90 के अबो है तो 6 मार्क अलॉट हो जाते हैं दोस्तों। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या डिप्लोमा कर रखा है या फिर एमबीए कर रखा है तो 2 मार्क और ऐड हो जाते हैं दोस्तों, और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री डिप्लोमा या एमबीए कर रखा है तो 2 मार्क आपको यहाँ पे अलॉट किए जाते हैं दोस्तों। जोन्स देख लीजिए, नेम ऑफ जोन्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो अंडर जोनल डिस्ट्रिक्ट, इन जोन के अंदर जो है दोस्तों ये वैकेंसी रहेगी और आपको जो है यहाँ पे सर्व करना पड़ेगा, आपकी जो सर्विस इन विभागों में होगी दोस्तों। टेंटेटिव टाइम शेड्यूल देख सकते हैं दोस्तों, ऑनलाइन सबमिशन जो है एप्लीकेशन फॉर्म का स्टार्ट होने वाला है 28 अगस्त से और 17 सितंबर तक ये फॉर्म भरना शुरू रहेगा दोस्तों। अभी यहाँ पे 3 दिन बाकी है ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए, उसके बाद में कैंडिडेट डाउनलोड करेंगे 10 दिन पहले का अपना कॉल लेटर, 10 दिन पहले डाउनलोड हो जाएगा, और एग्जाम जो है अक्टूबर में रखी गई है दोस्तों। एग्जामिन फी देखते हैं दोस्तों, ₹500 जो है यहाँ पे एग्जामिनेशन फी रखी गई है, रिजर्व कैटेगरी के आप है तो आपको ₹250 प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस यहाँ पे लगेंगे। प्रोसीजर टू अप्लाई दोस्तों, आपको जो वेबसाइट के जो महाडिस्कॉम की वेबसाइट है वहां पे आपको जाके इस फॉर्म को भरना होगा दोस्तों। यहाँ पे एक स्ट्रिक्टली नोटिफिकेशन देख रहे हैं आप, स्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो पोस्ट फॉर डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग कैंडिडेट शुड बी डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र स्टेट, अगर आप महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप जो है डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए आप जो है अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। इस यहाँ पे एक लिंक दी गई है हाउ टू अप्लाई, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप डायरेक्ट एप्लीकेशन लिंक पे पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार का जो है ये नोटिफिकेशन आया हुआ है दोस्तों, जिसके अंदर जो है करीबन 450-450 जो है दोस्तों यहाँ पे वैकेंसी, 338 और 63 वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है, ये जो है 408 वैकेंसी हो जाती है दोस्तों, 401 वैकेंसी जो है महावितरण के अंदर आई हुई है। तो महावितरण जो है महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है दोस्तों, और जो इनकी वैकेंसी जो 401 आई हुई है, आप जल्द से जल्द इस फॉर्म को भर दीजिए दोस्तों, 28 तारीख से ये फॉर्म फिलअप करना शुरू हो जाता है। थैंक यू दोस्तों, आपने जो है 251 सब्सक्राइबर्स हमें हो चुके हैं, तो आपने अच्छा रिस्पांस दिया है, प्लीज़ आप इन वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जो है उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।